हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। तो जैसा कि आप सभी को पता है, जैसे जैसे रैपिडली पॉपुलेशन बढ़ रहा है, ऐसे ही हम सब पब्लिक को एक अच्छा लैंड दुनिया में बहुत ही तकलीफ होता है। तो दोस्तों, आप सभी को भी पता है, एक इंसान के लिए एक अच्छा घर बनाना एक सपना रहता है, और उस अच्छा घर के लिए एक अच्छा लोकेशन में एक अच्छा ज़मीन होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी को एक ऐसा लैंड ब्रोकर से मिलाएगा जो आपका ये तकलीफ को आसान कर देगा। तो स्वागत है आपका मेरे स्टूडियो पर। तो सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए मेरे व्यूअर्स को। फर्स्ट ऑफ ऑल, I would like to thank Mr. Tatu Markya for inviting me to his studio. And my name is Talo Marging. I'm a law student and work as land broker. And I recently started a land brokerage service, Frontier Property Service. तो जैसा कि सर, आपका लैंड ब्रोकर का काम जिसमें आप पब्लिक को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो ये काम आप कब और क्यों स्टार्ट करना सही सोचा है? हम बचपन से मैं सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहता था, तो पढ़ाई का चलते हम नहीं कर पाए। पर रिसेंटली हम डिस्कवर किए कि लैंड ब्रोकरेज का थ्रू से हम मेरा सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। मेरा नॉलेज एंड गाइडेंस का थ्रू से हम किसी का भला कर सकते हैं। इसलिए 2024 का सेकेंड मंथ में हम और मेरा एसोसिएट जो कम्युनिटी सर्विस टाइप का प्रोवाइड करेगा बोल के स्टार्ट किया था। तो जैसा कि सर, हमारा कुछ पब्लिक और व्यूअर्स भी जानना चाहेगा, ये लैंड ब्रोकरेज का एग्जैक्ट जो मतलब क्या होता है? लैंड ब्रोकरेज जो एक कॉमन टर्म है, जिसमें आप प्रॉपर्टी लिस्टिंग या परचेज करने के लिए एक मिडिल मैन का हेल्प लेता है, और वो मिडिल मैन जो आपको हेल्प करता है डील को नेविगेट करने के लिए और आपका डील को फाइनल करने के लिए। तो जैसा कि सर, मैं आपको और एक सवाल पूछना चाहूँगा। हमारे अरुणाचल में लैंड ब्रोकर का द्वारा बहुत सारा ज़मीन भी खरीदते हैं कुछ पब्लिक, तो आगे जाके वहाँ पे कुछ फ्रॉड का भी सीन हो जाता है, तो उस चीज़ में आप कुछ बोलना चाहेगा हमारे पब्लिक को? अभी का मॉडर्न टाइम में क्या है कि बहुत सारा ब्रोकर निकल गया। अभी आप कोई प्रॉपर्टी परचेस करने के लिए सोचा है तो आप ढूंढने लगे सोशल मीडिया में, तो आपको दुनिया भर का ब्रोकर मिल जाएगा फेसबुक में। तो उसका चलते क्या होता है कि लैंड फ्रॉड एंड मिसलीडिंग ज़्यादा होता है। और फॉर एग्जांपल, हम लोग अभी दापो से है, दापो मेन टाउन से कोई कैपिटल में लैंड परचेस करना चाह रहा है, तो वह फेसबुक में ढूंढेगा सबसे पहले सोशल मीडिया का थ्रू से, तो किसी को कांटेक्ट करेगा, तो बाद में उसको कोई भी जगह दिखा के ऐसे ही बेच देगा। तो बेचारा के पास में इनफ नॉलेज एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं होने का कारण से वो ट्रैप में फंस जाएगा, फ्रॉड वाला ट्रैप में ना। अरुणाचल प्रदेश लैंड सेटलमेंट एंड रिकॉर्ड एक्ट 2000 का अकॉर्डिंग सेक्शन नंबर 6 जो क्लासीफाई करता है कोई लैंड गवर्नमेंट का है ना कम्युनिटी का है ना प्राइवेट है, और सेक्शन नंबर 8 जो राइटफुल ओनर कौन है वो लैंड का वो डिसाइड करता है। तो वो सबको हम ध्यान में रखते हुए हम मेरा क्लाइंट के लिए क्या करते हैं कि कोई भी प्रॉपर्टी मेरा पास में लिस्ट होने के लिए आता है तो हम उसको पर्सनली खुद जाके सर्वे करते हैं। सर्वे करने के बाद राइटफुल ओनर कौन है वो प्रॉपर्टी का, उसको हम वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के बाद में हम उसको एडवर्टाइजमेंट करना है या फिर हम किसी को खरीदो बोल के अप्रोच करने से भी करते हैं। हम और मेरा क्लाइंट के बीच में एक ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रस्ट ट्रेनर ड्यूरिंग द डील ना। तो जैसे कि सर, आपका जो फ्रंटियर प्रॉपर्टी सर्विस है वो क्या क्या सर्विस ऑफर करता है? हम लोग फ्रंटियर प्रॉपर्टी सर्विस जो उसमें एक डेडिकेटेड टीम है जो 24/7 आवर रेडी रहता है आपको अपना गुड सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। तो इसमें हम लोग का पहला है प्रॉपर्टी लिस्टिंग। अगर आपको अपना प्रॉपर्टी को सेल करना है, चाहे वो इमूवेबल हो या मूवेबल, तो हम लोग उसको लिस्ट कर देगा। इसके बाद अगर आपको कोई अरुणाचल का कोई भी पार्ट में कोई ज़मीन लेना है बोलने से, तो आप हम लोग को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, तो हम लोग उसको आपको गाइडेंस देगा कहाँ में क्या क्या ज़मीन अवेलेबल है और कितना रेट में है अच्छा से मार्केट का रेट के साथ में। अभी हम लोग का फ्रंटियर प्रॉपर्टी सर्विस जो एक ऑफर लॉन्च किया है, जो भी फर्स्ट बायर तत्व मर्किया का स्टूडियो का तरफ से थ्रू से कॉन्टेक्ट करेगा हमको, वो 5 बायर को हम प्री ब्रोकरेज चार्ज ऑफर करेगा। तो सर, मैं जानना चाहूँगा आपका जो ये फ्रंटियर प्रॉपर्टी सर्विस है, इसका जो ऑफिस का एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे है? मोस्ट ऑफ द टाइम हम न्यूजीलैंड में रहता है, तो मेरा ऑफिस भी वही है। अगर आपको ऑफिस आना ज़्यादा दूर लगने से, हम लोग सोशल मीडिया में भी सर्विस है, एक ऑफिशियल पेज है फ्रंटियर प्रॉपर्टी सर्विस करके, तो वह उसका थ्रू से भी आप हमको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और वो सर्विस जो 24/7 ओपन है। तो जितना भी व्यूअर्स हैं, मैं
हमारा मिस्टर तलुम मर्गिंग का ऑफिशियल पेज जो लैंड ब्रोकर का पेज है, तो ये स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ आप सभी को, तो आप सभी जाके फॉलो करना, और बाद में अगर आपको फ्यूचर में जाके लैंड लेना है तो अगर लैंड सेल करना है तो आप ये पेज पे सीधा कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस मैं मिस्टर तलुम मर्गिंग का जो पर्सनल नंबर है ये स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, अगर आप इसे सीधा कॉन्टैक्ट करके और भी डिटेल से जानना चाहते हैं तो आप ये नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इन फ्यूचर आपसे कोई लैंड खरीदता है बोल से, तो वहाँ पे इन फ्यूचर वहाँ पे लैंड डिस्प्यूट होता है, तो ऐसे बायर क्या करना चाहिए और क्या कदम उठाना चाहिए? हम लोग पास में कोई भी आता है प्रॉपर्टी पर परचेज करने के लिए, तो उसको हम लोग अच्छे से नेविगेट करा देता है और बताता है इसका प्रो एंड कॉन्स के बारे में, प्रॉपर्टी का फ्यूचर में क्या होगा और अभी ये इसका राइटफुल ओनर कौन है और प्रॉपर्टी किस किस के साथ में बाउंड्री शेयर कर रहा है। हम लोग अरुणाचल में लीगल अवेयरनेस कम होने के कारण से क्या होता है कि कभी कभी हम लोग ये लैंड फ्रॉड वगैरह हो जाता है, पर इसमें भी कोई चिंता वाला बात नहीं है। हम हमेशा मेरा क्लाइंट को बताते हैं अगर आपके साथ में ऐसे कुछ होने से आप क्या कर सकते हैं। रियल स्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, रेरा का सेक्शन 31 में एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का सेक्शन 35 में, वहाँ में क्लियरली लिखा गया है अगर आपके साथ में ऐसे कुछ फ्रॉड होता है तो आप कोई भी कॉम्पिटेंट कोर्ट में जाके जो आपका अगेंस्ट में फ्रॉड किया है उसका अगेंस्ट में आप जो केस फाइल कर सकते हैं। इन फ्यूचर आपको कभी भी प्रॉपर्टी परचेस या सेल करना है बोलने से आप फ्रंटियर प्रॉपर्टी सर्विस को रीच आउट कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। आपको सर्विस प्रोवाइड करने के लिए हम लोग हमेशा रहते हैं दिन रात। तो गाइस बहुत ही अच्छा सर्विस आप सभी के लिए है, तो सर आपका थैंक यू यहाँ पे आके अपना सर्विस को बताने के लिए, तो आपका थैंक यू सो मच। और दोस्तों आप सभी को मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।